नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में एकमात्र तुम ही तो प्यार हो। उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन नारी दिवस मना लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं News29 इंडिया, मैं हूं साक्षी, और नारी दिवस के इस विशेष अवसर पर News29 इंडिया हमारी विश्व की तमाम नारियों को सलाम करता है। इसी के साथ News29 इंडिया पेश करता है नारी दिवस पर एक खास कार्यक्रम। दरअसल महिला दिवस की शुरुआत महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए हुई थी, क्योंकि सारे देश ऐसे थे जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। 28 फरवरी 1909 में यह दिवस सबसे पहले अमेरिका में मनाया गया, फिर इस दिवस को फरवरी के अंतिम रविवार को मंजूरी दी गई। लेकिन 1990 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन के सम्मेलन में महिला दिवस को इंटरनेशनल मानक दिया गया। 1917 में रूस की महिलाओं ने विरोध किया, क्योंकि उनके यहाँ तक जूलियन कैलेंडर मान्य था और पूरे विश्व में ग्रेगेरियन कैलेंडर, जिसके हिसाब से अंतिम रविवार 8 मार्च को पड़ा, क्योंकि फरवरी तो 28 दिन की ही होती थी, इसीलिए चौथा रविवार मार्च में गिना गया, जो कि पूरे विश्व में मान्य हो गया। और तब से 8 मार्च को महिला दिवस घोषित हुआ, जिसे रूस को भी मनाना पड़ा। भारत में एक महिला को शिक्षा का, वोट देने का अधिकार और मौलिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि एक महिला अपने पति की संपत्ति में भी बराबरी का दर्जा रखती है। महिलाओं के सम्मान के लिए घोषित इस दिन का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान को बताना है। एक महिला के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन सृजित नहीं हो सकता, इसीलिए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ, कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ, मेरे आंचल में है चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ, हर दर्द ओ गम को छुपा लिया सीने में, लब पे ना आए कभी वो हसरत हूँ, मेरे होने से ही है कायनात जवान, जिंदगी की बेहद हसीन हकीकत हूँ, हर रूप रंग में ढल कर सवर जाऊं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ, अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं, सुन ले ऐ दुनिया, हाँ मैं एक औरत हूँ। मेरा नाम अपने आप में अपार शक्ति समेटे हुए है, मैं एक शक्ति का जीता जागता रूप हूँ, सुबह की पहली किरण से पूर्व जागने की शक्ति, समय को पीछे छोड़ अनवरत भागने की शक्ति, मेरी अनेक बुझाएं हैं, किसी बुझा में धर्म है, किसी में कर्म है, मैं महिला हूँ, खुद को घर के कर्तव्यों में बांधती मैं गंधारी हूँ, कभी अपनी निर्णय क्षमता को प्रदर्शित कर अन्याय का विरोध करती सीता भी हूँ, कभी मैं प्रेम की धुन पर नृत्य करती राधा भी हूँ, तो कभी अपनी मातृभूमि पर न्योछावर झांसी की रानी भी हूँ, मेरे कई रूप हैं, सभी रूप में मैं एक शक्ति हूँ, भक्ति हूँ, श्रद्धा हूँ, विश्वास हूँ, आस हूँ, मर्यादा हूँ, लज्जा हूँ, सौंदर्य हूँ, क्षमा हूँ, विद्या हूँ, वाणी हूँ, हर रूप में मैं सम्मानीय हूँ, और जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता का भी वास होता है। आज बस मुझे मेरा वही सम्मान चाहिए जिसकी मैं अधिकारी हूँ, महिलाओं के प्रति नजरों में हवस, तिरस्कार और लघुता का भाव नहीं चाहिए, मुझे वो मिले जिसकी मैं सदियों से अधिकारी हूँ, ना कभी हारी थी ना कभी हारी हूँ, मैं एक नारी हूँ। मुस्कुरा कर दर्द भूल कर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। इसी के साथ News29 इंडिया यही संदेश देता है कि नारी को कमजोर ना समझे और उसका सम्मान करें, क्योंकि आज की नारी सब पर भारी। इसी के साथ बने रहिए News29 इंडिया पे लगातार खबरों के लिए, एक देश सारे देश।